दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। गर्मियों के मौसम में शाम होते ही मच्छरों का आतंक सबकी परेशानी का सबब बनने लगता है। ऐसे में लोग मच्छरों से निजात पाने के लिए बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपकी सेहत और मच्छरों के लिए कितने कारगर और सुरक्षित है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप भी ऐसी परेशानी झेल रहे हैं, तो आप टेंशन छोड़ घर के बालकनी के लिए आज ही खरीद लाए ये 5 खूबसूरत पौधे। तो आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये 5 जादुई खुशबूदार पौधे। लेमन ग्रास। हर घर में लेमन ग्रास का इस्तेमाल उसकी सुगंध की वजह से किया जाता है। लेमन ग्रास के पौधे का इस्तेमाल खुशबू के साथ मच्छर भगाने वाली कई दवाइयों में भी किया जाता है। इसकी मनमोहक और ताजगी भरी खुशबू एक तरफ जहां स्ट्रेस दूर कर आपके मूड को फ्रेश करने का काम करती है, वही मच्छर इसकी खुशबू से दूर भागते हैं। गेंदा। गेंदा का फूल न सिर्फ आपके घर के बालकनी को खूबसूरत बनाने का काम करता है, बल्कि इसकी खुशबू मच्छरों और उड़ने वाले कीड़ों को भी आपसे दूर रखती है। मच्छरों को भगाने के लिए इस फूल की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए इसका पौधा ही काफी होता है। लेवेंडर। आपको शायद ही इस बात का पता होगा कि आप मच्छरों को खुद से दूर रखने के लिए जिस मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लेवेंडर ऑयल मिलाया जाता है। अपने घर को महकाने के साथ मच्छरों को दूर रखने के लिए ये लेवेंडर का पौधा लगाएं। लहसुन। आपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि लहसुन खाने से खून में एक अलग तरह की महक आने लगती है, जिसे मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर आप खुद लहसुन का सेवन नहीं करना चाहते, तो अपने घर में लहसुन का एक पौधा लगा लें। तुलसी। तुलसी का पौधा हवा साफ रखने के साथ साथ छोटे छोटे कीड़े और मच्छरों को भी आपसे दूर रखता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल आप चाय और काढ़ा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।